गुड मॉर्निंग नमस्ते प्रणाम सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। तो एवरीवन दिस इज द विनय कुमार यादव फ्रॉम YouTube चैनल इंग्लिश विद विनय सर। इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं एक शानदार तरीके से हिंदी सेंटेंसेस को किस तरीके से हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे हम लोग अक्सर अपनी बोलचाल में यूज करते हैं अभी की अभी, जैसे हम लोग हिंदी सेंटेंस बोलते हैं जिस सेंटेंस में आता है हमारा अभी की अभी या तुरंत या बिल्कुल अभी, तो ऐसे अगर हिंदी सेंटेंस के अंतर्गत आ जाए, ऐसे वर्ड्स आ जाए, तो किस तरीके से उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आइए हम लोग सीखने का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अभी के अभी बोलो, जैसे कहते हैं अभी के अभी बोलो, अभी कभी खाओ, अभी कभी जाओ, अभी कभी पढ़ो, अभी कभी सो जाओ, तो ऐसे हिंदी सेंटेंस को किस तरीके से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले तो आपको सेंटेंस लेना है, उसके बाद लेना है आपको राइट नाउ और राइट अवे। राइट नाउ और राइट अवे बोथ का मीनिंग होता है अभी के अभी या तुरंत या बिल्कुल अभी। यहाँ पे कुछ हिंदी सेंटेंसेस हैं, एस इस हिंदी सेंटेंसेस को आई हम लोग एक साथ मिलकर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। जैसे अभी की अभी बोलो, तो ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, तो स्पीक क्या लिखेंगे आप लोग, स्पीक राइट अवे या राइट नाउ, आप बोल सकते हैं स्पीक राइट अवे और राइट नाउ। अब बोलते हैं अभी के अभी नहीं, वो तो राइट राइट नाउ या राइट अवे, अभी कभी वहां जाओ तो गो देयर राइट नाउ। ओके, अभी की अभी बैठो, अभी के अभी बैठो, इसको आपको लिखना है सीट, तो लिखेंगे बैठने का हो जाएगा सीट, उसके बाद लिखेंगे राइट नाउ, सीट राइट नाउ, अभी के अभी बोलो, अभी तो देखिए ना स्पीक राइट नाउ। एक और हिंदी सेंटेंस है, मैं वहां अभी के अभी जाना चाहता हूँ, मैं अभी के अभी पढ़ना चाहता हूँ, मैं अभी के अभी खेलना चाहता हूँ, मैं अभी के अभी सोना चाहता हूँ, तो ऐसे हिंदी सेंटेंस को इस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। मैं वहां अभी के अभी जाना चाहता हूँ, ये पहले इसको देखिए छोटा कर लेते हैं, मैं जाना चाहता हूँ, इसको छोटा कर लीजिए, मैं जाना चाहता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ कहाँ, देयर वहां, तो इसलिए हो जाएगा आई वांट टू गो देयर, क्या हो जाएगा आई वांट टू गो देयर, उसके बाद अभी के अभी हो जाएगा आपका राइट नाउ या राइट अवे। मैं अभी कभी पढ़ना चाहता हूँ तो आई वांट टू रीड राइट नाउ, मैं अभी कभी खेलना चाहता हूँ आई वांट टू प्ले राइट नाउ, तो ऐसे हिंदी सेंटेंस को आप लोग इस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और आप इसको डेली वे कम्युनिकेशन में आप इसका यूज कर सकते हैं। थैंक यू टू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।